अनंत चतुर्दशी व प्रतिमा विसर्जन का यह पर्व बिना किसी व्यवधान के संपन्न हो, इसके लिए पुलिस द्वारा मूर्ति विसर्जन से पहले पुख्ता इंतजाम किए जा रहे हैं। संभागायुक्त शहडोल राजीव शर्मा, अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक शहडोल जोन शहडोल, डीसी सागर, कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी वंदना वैद्य, पुलिस अधीक्षक कुमार प्रतीक एवं अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक शहडोल मुकेश वैश्य के नेतृत्व में जिला मुख्यालय के सभी प्रमुख चौराहों, मार्गों एवं संवेदनशील इलाकों से एवं थाना क्षेत्रों में एसडीओपी एवं थाना प्रभारियों के नेतृत्व में पुलिस बल के साथ फ्लैग मार्च निकाला गया। पुलिस द्वारा सभी लोगों से मूर्ति विसर्जन के दौरान शांति व्यवस्था बनाए रखने एवं बिना किसी भय के पूजा एवं गणेश प्रतिमा विसर्जन करने की अपील की गई है। साथ ही एनजीटी की गाइडलाइन के अनुसार नदी तालाब जलाशय के बजाय प्रशासन द्वारा बनाए गए कृत्रिम जलाशयों कुंडों में ही प्रतिमा का विसर्जन करने की अपील भी की गई। पुलिस द्वारा फ्लैग मार्च के माध्यम से सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने वाले व्यक्तियों एवं पर्व के दौरान अनावश्यक रूप से विघ्न उत्पन्न करने की मंशा रखने वाले व्यक्तियों को चेतावनी स्वरूप कड़ा संदेश दिया गया। गणेश उत्सव के इस पावन अवसर पर सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। और आज जो ये फ्लैग मार्च, रूट मार्च, इस संभाग के कमिश्नर साहब श्री राजीव शर्मा जी, कलेक्टर वंदना मैडम और एसपी प्रतीक और उनके एडिशनल एसपी, डीएसपी और पूरा फोर्स, ये रूट मार्च इस उद्देश्य से निकाला गया है कि इस महोत्सव को लोग हर्षोल्लास से मनाएं, बिना किसी विघ्न के मनाएं, मिलजुल के मनाएं। गणेश विसर्जन को विशेष रूप से लोग ध्यान रखें कि वहां पर जो उपस्थित पुलिस का बल है, होमगार्ड का बल है, एसडीआरएफ का बल है, उनके बताए अनुसार, उनके निर्देश अनुसार वो विसर्जन करें, जिससे कि किसी भी प्रकार का जल से संबंधित या और अन्य किसी प्रकार का हादसा ना हो। इन्हीं शब्दों के साथ एक बार फिर सभी को हार्दिक शुभकामनाएं गणेश उत्सव के अवसर पर। और चंद लाइन और मैं कहूंगा, हार नहीं मानूंगा, रार नहीं ठानूंगा, काल के कपाल पर लिखता मिटाता हूं, गीत नया गाता हूं, गीत रहना। धन्यवाद, जय हिंद।